भाइयों मैं तो यही नहीं, मेधावी बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है अच्छा अंक लेके आती है उसको आने जाने के लिए फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। हमने पिछले 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी और भाइयों में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को भाइयों बहनों नौकरी रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार करेगी। आज इसीलिए आपके पास आए हूं भाइयों बहनों, टैबलेट स्मार्टफोन हम आज दे रहे हैं हर नौजवान को। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है, हमने तय किया है 10 मार्च के बाद अब सरकार बनेगी। अब भाइयों बहनों 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध कराएंगे। खर्चा आएगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ये सारा खर्चा सरकार उठाएगी। मुझे लग रहा है यहाँ के लोग बीजेपी वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। हमारे पीएच टेट वालों भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये रोजगार सेवक 5 साल से इंतजार कर रहे थे, भाप निकालोगे? ये हमारे शिक्षा मित्र होंगे, कहीं पर शिक्षा मित्र भी होंगे, मदद करोगे? ये जो धोखा खाए हैं 69,000, मदद करोगे? ये अनुदेशक नियमित करने वालों आपकी मदद होने जा रही है, आप मदद करोगे? इस बार तो लगता है मिर्जापुर से भाप निकलने वाली है। और जो बाबा मुख्यमंत्री बताओ उन्होंने टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? लखनऊ से गोरखपुर की हवाई जहाज टिकट बुक कर ली? और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और पूछा कहाँ जा रहे हो, तो पुताई वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री आवास में जो काले धुएं के धब्बे लगे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। लगता है मिर्जापुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि धुआं करने वालों को धुआं धुआं कर दोगे।